तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम लेके आ चुके हैं एसएमपी का सेकंड एपिसोड, जिसमें कि अपन ने एक मॉडर्न हाउस बिल्ड किया है फॉर अपने लिए। और इन्होंने बहुत मदद की थी मेंबर्स ने। इन्होंने कहा था कि फटाफट जो है अपना हाउस बनाने और फटाफट फास्ट प्रोग्रेस कर, ताकि तू इक्वल हो सके सभी के। ठीक है, तो फटाफट मैंने पहले जाके पेड़ काटे। उसके बाद पेड़ काटने के बाद उन्होंने कहा वुड हम दे देंगे, तो पेड़ पे टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ बना ले, यहाँ घर बना लियो अपना। तो फटाफट मैं सुबह आया। सुबह ये लोग यहाँ फाइट कर रहे थे, पता नहीं इसका घर था, आई डोंट नो। ये जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, मेन रीज़न यही था कि फास्ट प्रोग्रेस करो। एक रीपर को मार के आया था, उसका हेड मिल गया था। और मैं फटाफट उनसे वुड लेके आयरन फार्म पे गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो मुझे आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फॉर बिल्डिंग के लिए। भाई आयरन बहुत पड़ा है इसमें, बहुत ज़्यादा। जस्ट सामने जब अपन निकलते हैं तो वहीं गनपाउडर फार्म वो देखिए। और बाकी वो बंदे आपस में लड़ रहे थे, आई डोंट नो क्यों लड़ रहे थे, पर लड़ रहे थे। तो फटाफट मैं वहाँ चलता हूँ, और यहाँ से मैं कॉर्ड्स लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे कॉर्ड्स भी चाहिए थे, और ये इस बड़े से टावर को बनाने के लिए कॉर्ड्स पड़े थे, उसमें से ले रहा था। उन कुछ नहीं कह रहे थे वो मुझे, सिर्फ इतना कह रहे थे कि भाई घर बना ले जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, फटाफट अपन ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे दिमाग में लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसा बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ बना रहा था, और उसके बाद ही देख रहा था कि भाई कैसा बन रहा है। मैं सिर्फ पिलर पे पिलर खड़े किए जा रहा था, खुद को नहीं पता था कि मैं बना क्या रहा हूँ। उन्होंने भी पूछा था कि भाई कौन सा डिज़ाइन बना रहा है, देख के बना रहा है या कोई अपने माइंड में बना रहा है। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई कुछ नहीं बना रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक मॉडर्न हाउस कह सकते हो। तो इसमें उन्होंने भी मदद की थी, पर उन्होंने मतलब रूफ वगैरह और नीचे की जो फर्श वगैरह उसमें मदद की थी उन्होंने लगाने के लिए। बाकी तो मैं बना रहा था, इसलिए मुझे ही करना था। वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर सकते थे, तो उन्हें आइडिया नहीं था। तो फटाफट मैं देख लो कि मैं बना रहा था बिल्कुल। और रही बात कि उनकी वॉइस क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, तो भाई उनकी वॉइस जो हम आपस में बात कर रहे थे, वो हम कॉल से बात कर रहे थे। ठीक है, और कॉल से उनके बैकग्राउंड का जो वॉइस मतलब नॉइस थी, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसके कारण मैंने उस वॉइस को रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही थी कि हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जो साथ खेल रहे थे को। तो जिस वाय मैंने वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं की, पर हाँ गेम की वॉइस ज़रूर रिकॉर्ड की थी, तो वो आप सुन ही रहे होंगे। तो अभी मैंने फटाफट ये देख लूँ, कुछ टावर के जस्ट सामने बना रहा था, बगल में जस्ट उसके। और बाकी मैंने उसमें इसको मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसकी जो साइड की वॉल्स थी वो गलत भी हो रही थी। तो इसको मैंने 2-3 बार तोड़ा भी था बीच बीच में। इसको बनाने में लिटरली अभी के मतलब मैंने पहले के जो पिछले अपने सर्वाइवल सीरीज में जो दो रूम्स बनाए हैं, और पिछली इसमें मैंने बनाए थे, उनसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही था, क्योंकि इसको कोई आइडिया नहीं था कैसा बना रहा। और यहाँ पे ये खुद के चैनल पे मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ बकचोदी करने के बाद मैं वापस आ गया था, या बहुत ज़्यादा बकचोदी हुई थी, और मुझे घर कंप्लीट करना था फटाफट। दैट्स वाई मुझे जल्दी करना था। अब सोच रहे होंगे ये वुड मुझे कहाँ से मिली। ये वुड मैं वुड जो है मैंने खुद ने नहीं जॉब की थी, ये मुझे उन्होंने दी थी कि भाई जल्द जितना जल्दी हो सके उतना घर बना लो, ठीक है, ताकि आप रह पाओ, नहीं तो भाई कहाँ घूमते फिरोगे। तो और अभी इस एमपी में काफ़ी कुछ डिस्कस चल रहा है कि फ्यूचर में शॉप्स वगैरह खोलनी है या नहीं, या क्या क्या सीन करना है, वो डिस्कस कर रहे थे। बाकी मैंने नीचे फर्श भी कर ली है और रूफ भी बना दी है। ठीक है, अभी मैं लाइटिंग करता हूँ। फटाफट लाइटिंग करने के बाद सीढ़ियाँ लगाते हैं। सीढ़ियाँ मैं सेंटर में लगा रहा हूँ फिलहाल, और बाकी मैंने कुछ बाद में भी चेंजेस किए थे, वीडियो बनने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, वो मैं अगले एपिसोड में आपको दिखा दूँगा क्या क्या चेंजेस हुए थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस कारण मैंने उसको कंप्लीट कर उसको बंद कर दिया था। बाद में हमने फ्री बैठे थे, इस कारण थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए थे। अभी
सेकंड फ्लोर का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सेकंड फ्लोर पे कैसा बनाऊं। उसने बोला था कि भाई कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो सेकंड फ्लोर तक ही बनाओ, मतलब इतना कुछ अपन रखने रखते तो है नहीं। तो मैंने बोला था कि भाई सेकंड फ्लोर तक ही बनाएंगे, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा कि मैं सेकंड फ्लोर कैसे बनाऊं। उसने कहा जैसा आपके दिमाग में रहा वैसा बना दो। वो तो क्या कह सकते हैं, ना ही तो उसे कोई समझ में आ रहा था, वैसे जैसा मेरे दिमाग में आ रहा था वैसा मैं बना रहा था। और बाकी साइड में मैंने पिलर्स लगा दिए थे, पहले मैं लाइट वायर्स लगा रहा था, मैंने पिलर्स लगा दिए थे जो कि एक कह सकते हो बढ़िया चॉइस थी। तो मैंने यहाँ सिंगल मिरर के लिए रखा था, जो सिंगल मिरर होता है उसके लिए रखा था, ना कि भाई बड़े वाला। और इस साइड जो यहाँ गेट था वहाँ मतलब वो 4 खिड़कियाँ रख सकते थे अपन, यहाँ मैंने 4 खिड़कियाँ रखी थी, बाकी मैंने एक लाइन रखी थी, यहाँ अपन 2 लाइन रख सकते थे। और इसके बाद पता ही है कि भाई ये बंदे कहीं घूम रहे थे टाइम पास के लिए, मतलब वेट कर रहे थे कि अभी कोई नहीं चल रहा था। तो इस टाइम रात के 9 बज रखे थे और रात को रिकॉर्ड कर रहा था मैं। तो ये भाई लिटरली इस भाई ने जब तक मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मेरे साथ खेलता रहा ताकि मैं बोर ना हूँ। भाई लिटरली दिल से कह रहा हूँ भाई, ऐसे बंदे कहीं नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भाई ये बंदा तब तक वेट करता रहा जब तक मैंने अपना फुल रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं कर दी। ये बंदा उतनी रात तक सिर्फ इसलिए जागता रहा क्योंकि इसके पास SMP का एक्सेस था। कैसा लगा मेरा मजाक? बात SMP का एक्सेस इसी के पास था। तो अभी तो उसने कहा था कि मैं अभी आप आए हो तो मैं बाद में आपको एक्सेस दे दूंगा, फिर आप कभी भी SMP में ज्वाइन हो सकते हो। ये मैंने झूठ बोला था कि रात के 9 बज रखे थे, सुबह के 11 बज रखे थे। सीधी सी बात है, रात को कोई नहीं खेलता, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रात को ऐसे ही खेलते हैं, पर मैं नहीं खेलता। मैंने यहाँ आयरन रॉड्स लगा दी थी, अभी मैंने आयरन रॉड्स लगाई थी, बाद में मैंने इसको रिप्लेस कर आयरन चेन्स लगा दी, जो जो आयरन रॉड से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। ठीक है, ये बंदा भी यही है, वाह, कोई काम नहीं है, किसने डायमंड भर भर के माइनिंग कर रखी है इन सब ने। बस एक दो बंदे हैं जो अभी नए आए हैं, उनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो भाई जो मतलब एक तो फनी है और एक क्रेजी है और एक गेमर है, मतलब जो बंदे कम से कम स्टार्टिंग से हैं उन बंदों के पास हर चीज़ भर भर के पड़ी है, क्योंकि वो बंदे माइनिंग पे जाते हैं, जाते रहे हैं पहले से और वेट कर रहे थे मेरा कि मैं माइनिंग पे कब जाऊंगा। तो इससे मेरी बात हुई थी, ये बोल रहा था कि फटाफट डायमंड आर्मर बना लो, नहीं तो आपके साथ यही चलता रहेगा, क्योंकि अभी मैंने नहीं दिखाया, जो चीज़ शुरुआत में उस बंदे के घर में हुई थी वो मेरे साथ भी हो सकती थी। तो इसने बता दिया था कि वो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि SMP वालों का कुछ नहीं पता कब इनका दिमाग खिसक जाए और कब क्या हो जाए। तो पर हाँ घर वगैरह सेफ रहते हैं, बस बंदे सेफ नहीं रहते क्योंकि मार देते हैं भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि आई डोंट नो उसका कोई अलग चीज़ थी कि वो डायमंड वगैरह चोरी करके गया था, इसलिए उन्होंने उसे टपका डाला था जिसके डायमंड चोरी किए थे, और इसलिए कहा था कि भाई चोरी वगैरह मत करना। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई हम चोरी क्यों करेंगे, हम चोरी क्यों करेंगे, कैसा लगा मेरा मजाक? और सीधी सी बात है अपन चोरी नहीं करेंगे, अपन माइनिंग करके खुद के हार्डवर्क से डायमंड आर्मर और डायमंड, फ्यूचर में शॉप्स खुलेंगी तो उनसे डील वगैरह करने के लिए डायमंड खुद कलेक्ट करेंगे। हाँ वो बात अलग है कि मैं फॉर्चून 3 की पिकैक्स इनसे लीज पे लेके जाऊंगा ज़्यादा डायमंड माइन करने के लिए, वो ये दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फ्री में दे देंगे मुझे डायमंड माइन करने के लिए, बाद में इन्हें वापस दे दूंगा मैं। तो वो मे बी अगले एपिसोड में अपन डायमंड माइनिंग पे जाएंगे, तो वेट करो अगले एपिसोड का। और अभी एंड नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, अभी मैं फटाफट जो था मैंने चारों तरफ आयरन रोड्स लगा रहा था। भाई लिटरली मैं ये इतना आयरन इसलिए वेस्ट कर रहा था क्योंकि उसने बोला था कि
आयरन फार्म है, आप वहाँ से जितना आयरन चाहो ले सकते हो, पर मुझे अब लग रहा है कि भी डिस्कशन चल रही थी उसके हिसाब से आयरन फार्म सिर्फ एक बंदे के अंडर रह जाएगा और दूसरा कोई आयरन नहीं ले सकता। फ्यूचर में मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब एसएमपी में चेंजेस किए जाएंगे ताकि थोड़ी बहुत हाइप बने, बंदों को थोड़ा बहुत सेंस बने, थोड़ा वो स्ट्रगल करें ना कि चोरियां वगैरह करें। तो अभी रात हो चुकी थी भाई, काम करते करते 2-3 रातें आराम से निकल जा रही थी, ठीक है। और मैंने बोला फटाफट स्कूल जाता हूँ, उसके बाद में सुबह आ गया था वापस, और हम यहीं सो गए थे। इसके पास तो बेड थे, मैं बाहर चला गया था, ये सो गया था और इसने सुबह कर दी थी। तो मैंने फटाफट जो था अभी मैं नीचे ही लैंटर लगा देता हूँ, अगले एपिसोड में आपको दिखा दूंगा। और भाई फटाफट मैं लाइटिंग वगैरह करके जो है, तो फाइनली अपने अपना नॉर्मल सा हाउस है कंप्लीट कर लिया है, बाकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।